नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर माधव शर्मा खुश जीवन राशि फल के यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तुला राशि के जनवरी 2023 के राशिफल को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। इस राशिफल के अंदर हम बात करने वाले हैं धन भाव, आपके चंद्र लग्न को लेकर चतुर्थ भाव यानी पारिवारिक स्थिति, सप्तम भाव आपके जीवन साथी को लेकर, बिजनेस को लेकर, पार्टनरशिप को लेकर, पंचम भाव विद्या बुद्धि संतान को लेकर, नवम भाव भाग्य को लेकर, दशम भाव कार्यक्षेत्र को लेकर, एकादश भाव लाभ और द्वादश भाव हानि को लेकर। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे खुश जीवन राशिफल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करें और देखते रहें डेली पंचांग, डेली राशिफल, मंथली राशिफल, ईयरली राशिफल और ईस्ट भगवान संबंधित सभी जानकारियाँ। आइए शुरुआत करते हैं राशि स्वामी को लेकर। तुला राशि, शुक्रदेव बनते हैं राशि स्वामी, शुक्र का गोचर बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। बात करते हैं गोचर की, माह के शुरुआत में चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, अपने से चतुर्थ शुभ रहने वाला है, पारिवारिक जो है आपको सपोर्ट मिलने वाला है, परिवार के लिए आप यहाँ पर एक अच्छा योगदान देने वाले हैं। शुक्र की अगर हम बात करें तो चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ में स्थिति बनी हुई है, बहुत शुभ है। माता के लिए भी आपको यहाँ पर माता की तरफ से भी आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा और यहाँ पर आपका फोर्थ हाउस एक्टिवेट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव से संबंधित शुभ फल भी प्राप्त होंगे। यानी मकान से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, शुक्र का इन्वॉल्वमेंट है तो कहीं ना कहीं वाहन रिलेटेड भी आपको यहाँ पर तुला राशि वालों के लिए शुभ फल प्राप्त होने वाले हैं। गोचर की बात करें, शुक्र और शनि दोनों ही इसी माह में अपना राशि परिवर्तन करके पंचम भाव के अंदर गोचर करेंगे, तो पंचम भाव के स्वामी शनिदेव ही बनते हैं। फिर से पंचमेश और चंद्र लग्न के स्वामी आपके लग्नेश का पंचम भाव के अंदर गोचर, विद्या अच्छी रहने वाली है, अच्छे डिसीजंस आप लेने वाले हैं, संतान से भी आपको यहाँ पर शुभ फलों की प्राप्ति देखने को मिलेगी। संतान के सहयोग से, सहयोग की अगर मैं बात करूँ तो उनके शुभ से, उनसे शुभ चीज़ों से यहाँ पर भी आपको शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पंचम भाव कहीं ना कहीं संतान का है, हायर एजुकेशन का है। जो भी जातक हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे हैं उनके लिए भी यह गोचर इस माह में शुभ फल रहने वाला है। कार्यक्षेत्र की बात करते हैं, शनिदेव इस माह में के शुरुआत में चतुर्थ में बैठकर दशम भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की भी छठे भाव में बैठकर दशम भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो आपका कार्यक्षेत्र यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी, अच्छे संकेत आपके इस माह के अंदर देखने को अवश्य मिलेंगे। शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करके हालांकि चतुर्थ से पंचम भाव के अंदर आएंगे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति इस पूरे माह के अंदर अपनी उच्च की दृष्टि पंचम दृष्टि से दशम भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, साथ के साथ द्वादश और धन इन दोनों को भी एक्टिवेट कर रहे हैं। तो दशम, द्वादश और धन तीनों भावों से रिलेटेड फल देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर देने वाले हैं, साथ के साथ छठे भाव के स्वामी हैं, छठे भाव से ही गोचर कर रहे हैं। आपके शत्रुओं में भी जो भी अभी तक वृद्धि हुई थी वहाँ पर कमी अवश्य देखने को मिलेगी, आपके कॉम्पिटिटर अपने आप शांत होते हुए दिखाई देंगे। दशम भाव आपके कार्यक्षेत्र से अच्छे फल मिलेंगे, द्वादश भाव खर्चे भी होंगे, धन भाव के ऊपर दृष्टि धन की प्राप्ति भी यहाँ पर होने वाली है। बिजनेस की बात करते हैं, राहु बैठे हुए हैं, पार्टनरशिप अच्छी नहीं चलने वाली। मंगल के गोचर की बात करें तो मंगल के गोचर की अगर हम बात करें तो मंगल सप्तमेश स्वामी बनकर अष्टम भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर बिजनेस को लेकर भी बहुत अच्छे शुभ संकेत दिखाई नहीं देते हैं। जॉब और करियर को लेकर यहाँ पर अच्छे संकेत दिखाई देते हैं। लाभ की बात करते हैं, सूर्यदेव बनते हैं लाभ भाव के स्वामी, तृतीय भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं, लाभ को लेकर यहाँ पर अत्यधिक मेहनत भी करनी होगी। हालांकि मध्य भाव के अगर हम बात करें तो सूर्यदेव यहाँ पर अपना राशि परिवर्तन करके चतुर्थ भाव के अंदर आएंगे, थोड़ा सा परिवर्तन, थोड़ा सा जो लाभ की मात्रा है फिर भी थोड़ी सी परेशानी रहेगी, क्योंकि चतुर्थ भाव में शनिदेव पहले से विराजित हैं और सूर्य शनि की युति बहुत अच्छी युति नहीं मानी गई है। नवम भाव के स्वामी बनते हैं यहाँ पर बुधदेव, बुध के गोचर की बात करते हैं, बुधदेव यहाँ पर तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, यात्रा के संकेत मिलते हैं, द्वादश भाव के स्वामी भी हैं, यात्रा के संकेत और भी यहाँ पर प्रबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तीसरे भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं और भी प्रबल यहाँ पर यात्रा के संकेत बुधदेव अपना समय दे रहे हैं। अगर बुध की दशा महादशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा चल रही है तो कहीं भी बुध यहाँ पर आपको यात्रा अवश्य कराने वाले हैं। आपके नवम भाव से रिलेटेड है तो धार्मिक यात्राएं भी आपको देखने को अवश्य मिलेंगी, सूर्यदेव यहाँ पर विराजित हैं तो सरकारी यात्राएं भी आपको देखने को मिल सकती हैं। बात करते हैं केतु की स्थिति, तो केतुदेव यानी जन्म चंद्रमा यानी दशम भाव के स्वामी के ऊपर से केतु का गोचर कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के संकेत भी कुछ इस तरीके से दे रहा है। छठे भाव में गुरु बैठकर छठे भाव को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं छठा भाव भी जॉब से रिलेटेड माना गया है,
सेकंड हाउस के भाव की बात करें तो सेकंड हाउस के स्वामी जो है मंगलदेव बनते हैं, जो कि अष्टम भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। 2, 6 और 10 की बात करें तो एक्टिवेट हो रहा है 10th हाउस। कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को अवश्य मिल सकते हैं। हेल्थ की बात करें, शारीरिक रूप से कोई परेशानी नहीं है। केतु के गोचर की बात करें तो जन्म के चंद्रमा पर से गोचर हो रहा है। मानसिक रूप से थोड़ी सी परेशानी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ओवरऑल अगर हम बात करें, यहाँ पर लाभ प्राप्त होगा, पारिवारिक जो है संबंध अच्छे रहने वाले हैं, भाग्य में भी वृद्धि होगी, यात्राएं देखने को मिलेंगी। धन के लिहाज से बात करें, मंगलदेव अष्टम भाव में, बहुत अच्छा फल हम यहाँ पर नहीं मान सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं धनेश का अष्टम से संबंध जो है मिश्रित फल प्राप्त होने के संकेत देता है। बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा शुभ समय नहीं है, पार्टनरशिप के लिए भी बहुत अच्छा समय नहीं है। पारिवारिक स्थिति की बात करें यहाँ पर, तो जीवन साथी से भी कहीं ना कहीं मन मुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यात्राएं अवश्य देखने को मिलेगी। हेल्थ को लेकर शारीरिक रूप से थोड़ा सा अच्छा समय है। हाई एजुकेशन की बात करें, उसके लिहाज से गोचर अच्छा है। धन्यवाद।